बाबूजी। हाँ बेटा। रामकुमार कल रात से घर नहीं आए हैं। का? कल रात से घर नहीं आए? जी बाबूजी। कुछ बता के गया था कि कहीं जाने वाला है? नहीं बाबूजी, कुछ बताकर तो नहीं गए, पर कल रात खाने के बाद से बड़े ही परेशान थे। इतनी देर तक तो कभी घर से बाहर नहीं रहता है, जरा देखिए ना। अरे तुम लोग चिंता मत करो, जरूर किसी दोस्त के ही गया होगा, मैं देख के आता हूँ, ठीक है? बिमला मौसी, रामकुमार आया है का? चिंता मत करिए माँ जी, रामकुमार जल्दी आ जाएंगे। का हुआ, कुछ पता चला का? सब जगह ढूंढ लिया, कुछ पता नहीं चला। एक काम कीजिए ना, अखिलेश को फोन लगा के देखिए ना, शायद कुछ पता चले। हाँ बाबूजी, ये रामकुमार कल रहे रात से घर नहीं लौटा। हमका का मालूम बाबूजी, 5 साल से हमरी उका कौनो बातचीत ना है। उका कुछ हुआ करे ना तो हमका फोन मत घुमावा करो। वो जिए चाहे मरे, हमरी वाला से हम उकी कौनो खोज खबर नहीं रखते हैं। अब फोन रखो, बाद में बात करो। का बोला अखिलेश? उका कुछ नहीं पता। एक काम करते हैं, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं। बेटा हम भी देख करके आते हैं। एक कत्ल और एक गुमशुदगी, क्या इन दोनों घटनाओं के तार एक दूसरे से जुड़े हुए थे? मरने वाला कौन था और मारने वाला कौन था, और इस सब में रामकुमार की क्या हिस्सेदारी थी? क्या कातिल रामकुमार ही था जो कत्ल करने के बाद भाग निकला? सवाल कई थे और जवाब एक भी नहीं। रामकुमार के माँ बाप ब्रिजेश्वर और सुमित्रा हर मुमकिन कोशिश कर चुके थे कि कहीं से उनके बेटे का पता चल जाए। साहब, मेरा बेटा कल रात से घर नहीं आया। क्या नाम है आपके बेटे का? रामकुमार। उसने आपको बताया कि कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है? कुछ नहीं बताया साहब, उसके सारे दोस्त लोगों से पूछ लिया, आस पड़ोस में ढूंढ लिया। अच्छा, आपकी फैमिली में आपके अलावा और कौन कौन रहता है? हम हैं, हमारी पत्नी सुमित्रा और रेखा। और आप कौन? साहब हमारा नाम संतोष है, हम ही रेखा को लेके आए थे चाचा के पास। हम लोग रामकुमार और रेखा की शादी के बारे में सोच रहे थे। आपका मतलब कि शादी से पहले ही आपकी होने वाली बहू आपके घर पे रहती थी? जी साहब। अभी कहाँ है रेखा? तो रेखा, तुम्हारी शादी की बातचीत चल रही थी रामकुमार से? जी साहब, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से कहाँ गया होगा रामकुमार? वो तो हमको नहीं पता साहब, कल रात से वो बहुत ही परेशान लग रहे थे। क्यों, ऐसा क्या हो गया था? क्या हुआ बेटा, खाना क्या नहीं खा रहा? देखो बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ, रेखा बहुत ही अच्छी लड़की है, इससे अच्छी बहू हमारे घर के लिए और कोई नहीं हो सकती है। शादी ब्याह करो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। ये जिंदगी है बाबूजी, कौन रिक्शा ठेला नहीं जो धक्का देके आगे बढ़ा दें। अभी हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, मने जाएंगे, नौकरी करेंगे, पैसा वैसा इकट्ठा करके फिर शादी ब्याह के बारे में सोचेंगे। अरे पगला गए होगा, फिर वहीं जाओगे? अरे एक बार तो जेल जाने से बच गए हो, अरे कल को कुछ ऊंचा नीचा होगा तो हम लोग क्या करेंगे? अरे सुनो ना बाबूजी, लाख करो चतुराई कर्म का लेखा कहूं ना जाए, पर इस सब के डर से का हम अपनी जिंदगी खत्म कर लें? अरे जिंदगी खत्म करने के लिए कौन कह रहा है बेटा? अरे अपने खेत है, बैल है, जमीन है, यही कमाओ यही खाओ, कम से कम चैन की नींद तो सो पाओगे। कितना सुख चैन सुकून है हमें सब पता है बाबूजी, आप अपनी सलाह अपने पास रखिए, हम देख लेंगे हमें क्या करना। अरे राम, अरे बेटा सुन दो। सुनो तो। क्या हो गया लड़के को, कैसा बर्ताव कर रहा है? सुनिए, परेशान मत करो, हमारा दिमाग बहुत खराब है यहाँ। अरे सुनिए तो, अरे सुनिए तो, वही जो निकले अब तक नहीं आए, बहुत ही गुस्से में थे साहब, हमने सोचा कि हम एक बार पूछ लें, पर वो कहा है ना साहब, हमारी हिम्मत ही नहीं हुआ। मानेर की क्या कहानी है?
ऐसा क्या हुआ था कि रामकुमार जेल जाते थे जो बचा? साहब मानेर में बस एक छोटा सा हादसा हो गया था। क्या हुआ था मानेर में? साहब मानेर पेपर फैक्ट्री में हम सुपरवाइजर का काम करते हैं। गांव से 20 किलोमीटर है फैक्ट्री। राम को काम की तलाश थी तो हमने उसको फैक्ट्री में काम दिलवा दिया था। एक दिन काम करते समय रामकुमार से मशीन का एक बटन गलती से दब गया साहब, जिसके कारण एक नाथ का एक हाथ जो है मशीन में फंस के कट गया। राम क्या हुआ? गांव चले जाओ, बाबूजी को तुम्हारी जरूरत भी है और यहाँ का जो कुछ भी है ना उसका चिंता मत करो तुम, हम सब संभाल लेंगे। ये लो भैया, ये कप रख लो। राम तो बहुत ही भोला लड़का है सर, जो हुआ उसका दुख हमको भी हो रहा है। रेखा हमारी मुंह बोली बहन है, इसीलिए तो इसका रिश्ता लेके आए थे हम उसके लिए, ताकि उसके जीवन में भी थोड़ी सी खुशी आए। ठीक है, तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो वापस बुलाएंगे। मुश्ताक सर, सबसे पहले रामकुमार के मानेर कांड की डिटेल निकालो। कभी कभी अतीत में हुई एक गलती हमारे आज पे भारी पड़ जाती है। हो सकता है रामकुमार का गायब होना भी उस हादसे से जुड़ा हो। और हाँ, रामकुमार के आसपास के लोगों और गांव वालों से पूछताछ करो। हो सकता है किसी ने रामकुमार को उस रात कहीं आते जाते देखा हो। यस सर, मैं फौरन दो टीम तैयार करता हूँ। एक टीम के साथ खुद मानेर निकलता हूँ और दूसरी टीम गांव में पूछताछ के लिए भेजता हूँ सर। हाँ गुप्ता सर, घर के आसपास पूछताछ की पर ज्यादा कुछ खास पता नहीं चला, मगर हमें ये पता चला कि राम की अपने भाई से बनती नहीं थी। अखिलेश? हाँ साहब, हमारी अखिलेश है। अखिलेश तुम्हारा भाई कल रात से घर नहीं पहुंचा, कोई आइडिया कहाँ होगा? नहीं साहब, वो तो बाबूजी का फोन आया था कि वो घर नहीं लौटा है। ऐसे साहब हमारी उससे बनती बनती नहीं थी, हमको कुछ नहीं पता साहब। पता नहीं या फिर बताना नहीं चाहते? ठीक क्या कह रहे हैं साहब, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये अखिलेश कि तुम्हारे भाई के गायब होने में कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं है? अरे हम काहे करेंगे ये सब। बनती तो इसलिए नहीं थी साहब कि हमारे बाबूजी ने सारी जायदाद तो कर दी उसके नाम, और हमारे हिस्से में आई केवल भीख। और वैसे भी हमारा उससे कौनो मतलब नहीं साहब, हम यहाँ अपने बीवी बच्चन के साथ अच्छे से जिंदगी काट रहे हैं। हम ये सब करके अपनी जिंदगी थोड़ी खराब करेंगे साहब। बेटा तुम न जाना जरूरी है का? बाबूजी हम जाना तो नहीं चाहते थे पर। चाचा वापस फैक्ट्री जाना बहुत जरूरी है, पर हमारा कोई काम हो या कोई सहायता चाहिए तो फोन करिएगा। और चाचा राम मिल जाएगा, एतबार रखिए। अच्छा हम चलते हैं, प्रणाम। खुश रहो बेटा। सर मैंने मानेर में काफी पूछताछ की, रेखा के कई चाहने वाले निकले सर। उसका भाई आनंद भी उसी फैक्ट्री में काम करता है जिसमें संतोष काम करता है सर। दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं, इसलिए भाई ने बहन को संतोष के साथ रामकुमार के घर भेजा ताकि शादी की बात पक्की हो सके सर। और एक बात और सर, मैंने रामकुमार के भाई अखिलेश से भी बात की सर। अखिलेश और रामकुमार के बीच बनती तो नहीं थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो अपने भाई को गायब करवा सकता सर, क्योंकि उसके घर में एक पत्नी छोटे छोटे बच्चे भी हैं सर। और एकनाथ की क्या रिपोर्ट है?
सर एक नाथ भी रेखा को काफी पसंद करता है। सर ये राकेश है, रामकुमार के घर के पास में ही रहता है, इसने उस रात कुछ देखा है। सर क्या देखा था? साहब हम उसको एक आदमी के साथ देखे थे, वो लोग झगड़ा कर रहे थे, अंधेरा ज्यादा होने के कारण हम उसका चेहरा तो नहीं देख पाए, पर हाँ साहब उसका एक हाथ नहीं था। तो एकनाथ था उस रात उसके साथ। सर चलो इसे एकनाथ की खोज खबर ली जाए, पता तो चले कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इतनी रात गए इन दोनों को एक साथ मिलना पड़ा। सर दरवाजा खोलो। अरे कहाँ पकड़ रहे साहब हमको, हम काके काकी हम। मैंने जितना पूछ रहा हूँ सच सच बोल, जिस रात रामकुमार गायब हुआ तू उसके साथ था, माजरा क्या है? ये मैज इत्तफाक है या तेरी कोई प्लानिंग थी? हम कोनो प्लानिंग नहीं किए हैं साहब, हम काहे करेंगे कोनो प्लानिंग, बस बात यह है कि हम रेखा को बहुत पसंद करते हैं साहब, और वो भी हमको बहुत पसंद करती है, बस यही समझाए को गए थे हम रामकुमार को ताकि वो पीछे हट जाए और तीन जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। क्या बात कर रहे हो एकनाथ, पगला गए हो का? पगला नहीं गए, सच बता रहे हैं सच, और ये बात कान खोल के सुन लो, ये शादी से कोनो का फैला नहीं होगा और रेखा भी हमको पसंद करती है। हाँ जैसे तुम कह दी और हम मान लिए, बस इतना ही बात था साहब, हम भला उनको काहे कुछ करेंगे। मुश्ताक सर, रेखा कहना है कि रामकुमार और वो एक दूसरे को प्यार करते थे, और यहाँ एकांत कह रहा है कि वो और रेखा एक दूसरे को पसंद करते थे, कहीं ये सारा कुछ रेखा की वजह से तो नहीं हो रहा है? सर रेखा के भाई आनंद तिवारी से बातचीत करते हैं, वो इन सबको जरूर जानता होगा, और एक भाई होने के नाते उसे ये जरूर पता होगा कि रेखा के आगे पीछे कौन कौन था और किस वजह से था और रेखा किसे पसंद करती थी। अनिक मुस्कुराइए ना। काहे काहे मुस्कुराए? मुस्कुराती तुम बहुत अच्छी लगती हो। पर काहे मुस्कुराए, कोई वजह भी तो होनी चाहिए। अरे हम तुम्हारे सरप्राइज लेके आए हैं। सरप्राइज दिखाइए तो। अरे ऐसे कैसे दिखा दो, पहले मुस्कुराइए तो सही, फिर दिखाओगे? हाँ तो ठीक है। कहाँ मुस्कुराती हो, कहाँ गया? ये देखो नया फोन, दिखाओ तो। अरे रुकिए तो इसमें फोटो खींचते हैं, ठीक है? कैसे लग रहे हैं हम? अरे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब दिखा भी दीजिए। हम दिखाते हैं ना आपको। अरे कुछ करने को दीजिए ना। अरे आनंद तिवारी जी साहब। आनंद जी साहब, तुम्हें रामकुमार में ऐसा क्या दिखा कि तुमने अपनी बहन को सीधा उसके घर ही भेज दिया? रिश्ते की बात ऐसी भी हो सकती थी साहब। हमने रामकुमार को फैक्ट्री में काम करते देखा था, बहुत ही मेहनती लड़का है, हमको लगा कि हमारी बहन के लिए इससे अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता, इसलिए हमने संतोष के साथ रेखा को रामकुमार के घर भेजा ताकि रामकुमार के माँ बाबू जी भी रेखा को देख लें। और ये एकनाथ का क्या चक्कर है? सर वो तो बहुत ही है साला, सर हमारी बहन पे गंदी नजर डाले बैठा, कई बार वो रेखा को छेड़ा है, बहुत घटिया आदमी है साहब। रामकुमार और रेखा ने एक दूसरे को पसंद कैसे किया? वो दोनों परसा खेड़ा में मिलते थे, वहीं से एक दूसरे को पसंद करने लगे। रेखा भी कहाँ है? सब वो कुछ सामान लाने के लिए बाजार गई। रामकुमार का गायब होना ये बात मुझे कहीं ना कहीं फैक्ट्री के उस हादसे से जुड़ी लगती है। तुम एक काम करो, हादसे के वक्त जितने लोग भी मौजूद थे उन सबसे पूछताछ कराओ। सर आप हैं मैनेजर? हाँ जी मैं हूँ मैनेजर। हम उस मशीन को देखना चाहते हैं जिससे एकनाथ का हाथ कटा था। जी सर आइए मैं दिखाता हूँ। इससे पहले भी इस मशीन के साथ कोई हादसा हो चुका है? नहीं साहब ये ऐसे पहली बार ही हुआ है, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। हमारे सारे मशीन की मरम्मत हर महीने होती है, ये जो हादसा हुआ है ना साहब एकनाथ के साथ ये पहली दफा ही घड़ा है। साहब उस दिन एकनाथ काफी खोया खोया सा लग रहा था, मतलब उसे संभाल के काम करना चाहिए था, क्योंकि कारखाने में आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, यहाँ हमेशा चौकस रहना बहुत जरूरी होता है। साहब हमको तो ऐसा लगता है
रामकुमार ने सब कुछ जानबूझकर किया था, एकनाथ रास्ते से हटे और रेखा के लिए रास्ता साफ हो जाए, और उस दिन दोनों बहुत लड़े थे। अब काहे लड़े ये हमें पता नहीं। उस रोज एकनाथ और रामकुमार में झगड़ा हुआ था, ये झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? साहब एक नथवा ना आनंद की बहन रेखा के पीछे पड़ा हुआ था, कभी कभी आते जाते कुछ उल्टा सीधा बोल भी देता था। अब रेखा हमारी भी बहन जैसी है, इसी आदत को लेकर झगड़ा हुआ होगा। सर मैंने मनेर फैक्ट्री में लोगों से पूछताछ की, कुछ का कहना है कि उस दिन एकनाथ ही खोया खोया सा था, जिसकी वजह से लापरवाही में उसका हाथ कट गया सर। और कुछ लोगों ने बताया कि एकनाथ और रामकुमार के बीच झगड़ा भी हुआ था। सर झगड़ा किस वजह से हुआ था? सर संतोष ने बताया कि एकनाथ रेखा के पीछे था और उस पर गंदे गंदे कमेंट्स भी पास करता था, झगड़ा इसी बात को लेकर हुआ था। मुश्ताक कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से एकनाथ को उस मशीन का शिकार बनाया गया? अखिलेश और एकनाथ दोनों के पास रामकुमार को गायब करने की वजह थी, लिहाजा दोनों शक के घेरे में थे। रिश्तों में खटास कभी भी दुश्मनी का रूप ले सकती है, फिर चाहे वो रिश्ता दोस्ती का हो या सगे भाइयों का, दुश्मनी किसी के लिए भी घातक बन सकती है। पुलिस ने रामकुमार से जुड़े हर इंसान और उसके रिश्ते को खंगालना शुरू कर दिया, क्योंकि इस वक्त छोटे से छोटा सुराग भी बड़ा खुलासा कर सकता था। हाँ सुनो, अरे हमको सब पता उस दिन क्या हुआ था, ठीक है? हाँ रेखा के बारे में बात करना जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ हम और तुम कारखाने के पीछे 8 बजे के बाद, ठीक है? हेलो यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा टहलने निकल गए थे। इतनी रात को किसी को बुलाई तो नहीं हो यहाँ? नहीं, हम किसे बुलाएंगे? आओ बैठो, छोड़ देते हैं। हमरा राम इतना भोला और सीधा है, किसी की बात पर भी भरोसा कर लेता है। फिर यही सोच के तो हमने अपनी आधी से ज्यादा जायदाद उसके नाम कर दी थी, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए। अखिलेश को तो हम जानते हैं, होशियार है, अपनी जिंदगी संवार लेगा। पर हमें क्या पता था कि जायदाद के चक्कर में दोनों भाई एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन बन जाएंगे। काश दोनों भाई साथ होते। सर ये रेखा की कॉल डिटेल्स हैं, इसमें उन तमाम लोगों के नंबर्स हैं जिनसे वो फोन पर बात करती थी या जिनके कॉल उससे आते थे। हाँ बोलो। व्हाट? Out of sight. Sir, ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग्स के हैवी डोज की वजह से ही नमन मिश्रा की मौत हुई थी। ड्रग्स का हैवी डोज, इसका मतलब नमन ड्रग्स लेता था। मुश्ताक सर ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी, नमन एक मजदूर आदमी था, वो कितना भी नशेड़ी हो लेकिन ड्रग्स जैसी चीज का रेगुलर सेवन करना उसके बस की बात नहीं हो सकती। तुम सबसे पहले यह पता लगाओ कि नमन वाकई ड्रग्स लेता था।
हाँ मुश्ताक सर, नमन के दोस्तों और उसके परिवार वालों से पूछताछ की, उससे ये पता चला कि वो एक नंबर का नशेड़ी था। शराब तो लगभग वो रोज ही पीता था सर। हाँ मगर ड्रग्स, वो भी इतनी मात्रा में। देखो मुश्ताक, ड्रग्स के लाइट डोज से आदमी बेहोश हो जाता है, तो नमन इतने हैवी मात्रा में ड्रग्स का डोज कैसे ले सकता है? जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है। हो सकता है कि उसने ये ड्रग्स खुद ना खाया हो, बल्कि उसे किसी ने खिलाया हो सर। पॉसिबल है। रेखा से जुड़े अब तक तीन नाम सामने आ चुके थे, रामकुमार, एकनाथ और नमन। रामकुमार का कोई सुराग नहीं मिल पाया था, एकनाथ का एक एक्सीडेंट में हाथ कट गया था और अब नमन की मौत। क्या ये तीनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई थी, या फिर कोई था जो रेखा से जुड़े हर नाम के लिए खतरा बना हुआ था? क्या रामकुमार के गायब होने और दूसरी घटनाओं में कोई संबंध था, या फिर रेखा ही इन सब के लिए जिम्मेदार थी? रामकुमार को गायब हुए 2 महीने बीत चुके थे और अब उसके मिलने की सारी उम्मीदों ने भी दम तोड़ दिया था। इतना पानी भर गया, हमको ये पानी निकालना पड़ेगा, ऐसा ना हमारी जमीन बैठ जाए। चलिए चल। अंदर के कमरों को भी देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो इतना पानी वहां भी भरा। हाँ, चलिए चल। चल। अरे रामकुमार के कमरे में इतना पानी। सुमित्रा, पानी जल्दी से निकालना पड़ेगा। अरे बाप रे। सुमित्रा, अरे दुनिया में इसको ढूंढ रहे थे हम। ये एकनाथ का काम नहीं हो सकता। एक हाथ से लाश को वहां तक ले जाना और फिर कब्र खोद कर दफनाना, नॉट पॉसिबल। मुश्ताक, क्या ये पॉसिबल है कि रामकुमार की लाश उसी के घर में गड़ी हो? इतना सब कुछ हो गया और बाप को खबर तक नहीं? सर, हो सकता है कि सच में उसे पता ना हो, क्योंकि अगर वो इन सबके पीछे होता तो बारिश के बाद भी लाश के बारे में किसी को पता नहीं चलने देता सर। वो तो ठीक है मुश्ताक, लेकिन हमें अपनी तरफ से एक बार ब्रजेशों को टटोलना चाहिए। हो सकता है हमारा अंधेरे में चलाया हुआ तीर सही निशाने पर लग जाए सर। अरे इससे ज्यादा एक बाप का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है साहब, कि उसका जवान बेटा उसके ही घर में दफन रहे और उसका एक बूढ़ा बाप उसकी कब्र पर 2 महीने तक सोता रहे और उसे पता तक नहीं चला। संभालिए अपने आप को, खूनी जो भी है जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा। सर, ये राकेश है, अखिलेश का पड़ोसी, रामकुमार के बारे में कुछ है जो हमें बताना चाहता है। हाँ बोलो। अखिलेश के बाबूजी अखिलेश के यहाँ बहुत दिन बाद देखे, इसलिए हमारा ध्यान उन पे गया। अखिलेश, अखिलेश। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। प्रणाम बाबूजी। हम ये कहने आए थे बेटा कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, घर वापस आ जाओ, जिंदगी की नई सिरे से शुरुआत करते हैं। अब सब खत्म हो चुका है बाबूजी, और आप हमेशा रामकुमार की तारीफ करते रहते हो, तरदारी करते रहते हो। जब तक वो जिंदा है ना, वो घर में कभी कदम ना रखेंगे। अखिलेश। मुश्ताक सर, लगता है अखिलेश के पास बहुत कुछ है हमें बताने को। तुम एक काम करो, फौरन एक टीम तैयार करो, अखिलेश के घर पहुंचो, कहीं ऐसा ना हो कि लाश की खबर सुनकर वो भाग निकले। सर तो बात अब साफ साफ कर लेते हैं, और ध्यान रहे कि दोनों सच ही बोलेंगे। अखिलेश, क्या तुम्हारे पिता कभी तुम्हारे घर आए थे? हाँ साहब। और घर लौटने की बात पर तुम दोनों में बहस भी हुई थी? आप साहब, गुस्से में तो मुंह से 2-4 बातें निकली जाती हैं,
बात यह है साहब कि हम राम से चिढ़ते बहुत थे। कहे कि बाबूजी ने सारी जायदाद तो उनके नाम कर दी, जीका वो बर्बाद कर देता और हमका का दिया कछु नहीं। बस साहब यही खातिर हम गुस्से में घर छोड़कर बाहर चले गए। तू चाहे कितनी भी दलील दे ले, लेकिन तुझे देखकर लगता नहीं है कि तू कोई दूध का धुला हुआ है। ब्रजेश्वर जी आप कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बेटा तो खो ही दिया है तो कम से कम दूसरे को बचा लो। हमारे बेटे आपस में झगड़ा भले ही कर सकते हैं पर हम इतना जानते हैं कि वो किसी का खून नहीं बहा सकते। आपका ये बेटा क्या कर सकता है ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ ये आप नहीं जानते। इसलिए दिमाग की नसों पर जोर दीजिए और सोचिए कि क्या किया, किसने किया और क्यों किया। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राम कुमार की हत्या हुई थी। किसी ने उसे गला घोटकर मार दिया और फिर लाश को दफना दिया। बॉडी जल्दी सड़ने लगी क्योंकि कातिल ने लाश के साथ नमक का भी इस्तेमाल किया था सर। और सर नमक का इस्तेमाल इसलिए भी किया गया ताकि बदबू को दबाया जा सके। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई घर के अंदर कब्र खोद के बॉडी दफना के चला गया और बाप को खबर तक नहीं हुई। मुझे लगता है सबके पीछे अखिलेश का हाथ है और बाप अब अपने इकलौते बेटे को बचाना चाहता है। ये भी हो सकता है कि राम की मौत की वजह रेखा बनी हो। आखिर उसके भी फैक्ट्री में चाहने वाले बहुत थे। हो सकता है उनमें से कोई आया हो और ये सब करके चला गया हो। मुश्ताक सर, मुझे लगता है कि हमारे हर सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ रेखा है। क्या वाकई में रामकुमार के पिता इस बात से अनजान थे कि उनके बेटे की लाश उनके घर में दफन थी, या फिर वो अपने दूसरे बेटे अखिलेश को बचाने की कोशिश कर रहे थे? क्या अखिलेश ने ही अपने भाई रामकुमार की हत्या की थी? वैसे अखिलेश के अलावा पुलिस की शक की सुई कहीं ना कहीं रेखा पर भी थी। रेखा सर, इसको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाओ। चूहा मारने की दवा खाई थी। सिचुएशन क्रिटिकल हो सकता था पर अभी ठीक है। जहर अभी बाहर है पर रिकवर होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। हाँ तो रेखा, मामला क्या है? ऐसा क्या हुआ कि तुमने चूहे मारने का जहर खा लिया? साहब, आज तक हमने जिससे भी प्यार किया वो सब हमको छोड़कर चले गए और इस बार भी ऐसा ही हुआ साहब। इसलिए हमने सोच लिया कि अब हम नहीं रहेंगे। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, सुनकर बड़ा अफसोस भी हुआ, लेकिन वो क्या है ना, मेरी भी एक परेशानी है जिसे सुनकर तुम्हें भी बड़ी तकलीफ पहुंचेगी। हमने तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड चेक किया और हमें यह पता लगा कि जिस रात नमन का खून हुआ उस रात तुम भी वहीं थी। और हम उस फैक्ट्री के मजदूर नहीं है जिसे तुम घुमाओ और हम घूम जाए। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि सारा सच खुद अपने मुंह से कबूलो। ये तो अगर हम घुमाने पे आ गए ना तो ऐसा घुमाएंगे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी घूम जाएगी। चलो बोलो बोलो। साहब, हम तो नमन के साथ रहना चाहते थे। हमने तो इतना भी सोच लिया था कि हम उनके साथ भाग जाएंगे। साहब, नमन ने हमसे वादा किया था कि वो हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। और हाँ साहब, उस रात नमन ने ही हमें वहां बुलाया था। अरे हम तुम्हारे साथ है ना, काहे चिंता करती हो? अरे हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अब तो कम ख्याल रखेंगे क्या तुम्हारा? हाँ अरे पकड़ो ना। हमें पता है कि आप हमारा हमेशा ख्याल रखेंगे। फिर हम उसके बाद वहां से अकेले निकल गए। उसके बाद साहब नमन से कौन मिला, वो कहां गया, हमें कुछ नहीं पता साहब। उस रात इतना कुछ हुआ, आपके बेटे को किसी ने मारा, आपके घर में उसकी कब्र खोदी, उसे दफना दिया और वहां से चले भी गए। ये सब करने में अच्छा खासा वक्त लगा होगा ब्रजेश्वर जी, और आपने कुछ भी नहीं सुना, क्यों? साहब, मैं और मेरी पत्नी उस रात भी हर रोज की तरह खाना खा के अपने कमरे में सोने चले गए। हमने कोई आवाज नहीं सुनी साहब। हमारे घर में आने के 2 रास्ते हैं, एक तो आगे का दरवाजा और एक पीछे का दरवाजा जो खेतों की ओर खुलता है साहब। वो लोग जरूर पीछे के दरवाजे से आए होंगे साहब। और साहब, रामकुमार का कमरा भी घर की दूसरी तरफ है। अगर उस कमरे में कुछ हो भी रहा होगा तो हमें उसकी आवाज नहीं आएगी। ये सब में अखिलेश नहीं हो सकता साहब। वो
गुस्सा जरूर करता है, बकबक करता है, पर वो ये सब नहीं करेगा साहब। तो फिर और कौन कर सकता है? कौन कौन लोग आते थे आपके घर पे? बहुत लोग आते हैं हमारे घर पे, तो रेखा, संतोष, उसकी पत्नी। सर हमने अब तक संतोष और नमन के घर वालों से बात नहीं किया है। संतोष की बीवी भी रामकुमार के घर अक्सर आया करती थी, हो सकता है उसने कभी कुछ देखा हो। रामकुमार के घर आना जाना होता था तुम्हारा? हाँ साहब जी, वो उनकी माँ बहुत अच्छी है, उनसे मिलाया करती थी। तुम्हारा पति संतोष रेखा का रिश्ता लेकर रामकुमार के यहाँ गया था, कैसी लड़की है वो? अरे उसकी तो बात ही ना कीजिए साहब, उसकी वजह से तो हमारा अच्छा खासा घर बर्बाद हो रहा है। ऐसा क्या कर दिया उसने? रामकुमार और नमन को तू नहीं मारा। क्या बोल रहे हम, काहे मारने लगे रामकुमार को? तेरी बीबी ने सारा सच उगल दिया है और तेरे सारे काले कच्चे चिट्टे खुल चुके हैं। रेखा कुछ दिन तेरे घर पे भी रही थी राइट, और तुम दोनों के बीच कुछ चल भी रहा था, और नमन की बीवी ने हमें बताया कि नमन को कोई 5 लाख रुपए देने वाला था और वो शहर से बाहर भी जाने वाला था। तब तेरे हमने कॉल रिकॉर्ड चेक किए। और पता चला कि कत्ल वाले दिन नमन ने तुझे फोन भी किया था। हेलो। और कत्ल की रात रेखा तेरे साथ भी थी। फिर क्या, सारा मामला हमारे सामने आने की तरह साफ हो गया, अब बस तेरे मुंह से सुनना बाकी है। चल बोल। बोल साहब, ये नमनवा हमको कारखाने में तार बदलते हुए देख लिया था, जिसके बाद एक नाथ का हाथ कट गया। हमको जो करना था हम तो कर गए, लेकिन नमनवा को हम पे शक हो गया था। पूछताछ में तो कुछ बोला नहीं, लेकिन अपना मुंह बंद रखने का हमसे पैसा इतना चाहता था। हम भी उसको पैसा का लालच देती, वो हमारे जाल में फंस गया। मौका देख के हम उसका खेल खत्म कर दिए। हमको रेखा के पास कोई अच्छा नहीं लगता था, हमारी रेखा सिर्फ हमको हमारे साथ चाहिए थी। इन्होंने हमसे पैसा तो इतना ही चाहता था, साथ ही साथ रेखा भी उसको चाहिए थी। जी का जंजाल बन गया था हमारे। उससे पहले रामकुमार को क्यों मारा? तो भैया हम बता रहे थे ना, राम से बेहतर लड़का रेखा के लिए और कोई नहीं है हमारी नजर में। हम भी उसको देखे फैक्ट्री में काम करते हुए, बड़ा मेहनती और ईमानदार लड़का है। तो कहो तो बात चलाए। अरे भैया नेकी और पूछ। चलो बात पक्की, हम बात करते हैं उससे। हम रेखा को रामकुमार के यहाँ छोड़ा है, हमको लगा कि रेखा रामकुमार के यहाँ रहेगी तो किसी को शक भी नहीं होगा और हम लोग मिलते जुलते रहेंगे। चाचा प्रणाम। ले आए तुम्हारी बहुरिया। कैसी है चाची? अपनी बहुरिया को देख लो भैया, शिकायत ना करना फिर।
अरे मियां राम, बस बैठा रहोगे? उठो तो, देखो ले आए, कैसी है, पसंद आई? पर 3 दिन में ही हमको उसकी याद सताने लगी। हम उससे मिलने निकले, हमको ये बात शुरू से अच्छी नहीं लग रही थी। बर्दाश्त के बाहर था हमरे कि रामकुमार भी रेखा के साथ वही सब काम करे। हम एक रात उदनों को देखे भी। इस वक्त कौन आया होगा? पता नहीं, तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। अरे संतोष, इतनी रात का? हाँ यार, क्या बात है? मन नहीं लग रहा था ना, तो सोचा तुम्हारे साथ दो दो पैकिंग मार ले। अरे आओ। अरे रेखा, देखो तुम्हारे भाई आए। तुम दोनों भाई बहन बैठ के बात करो, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। हाँ भाई संतोष। फिर हमने सोचा कि रामकुमार ये बात सबको बता देगा। अरे धोखेबाज, तुम्हें गलत फहमी हो रही है यार। मेरी शादी? अरे नहीं यार, तू गलत समझ रहा है। मैं गलत समझ रहा हूँ? अगली सुबह ब्रिजेश्वर चाचा घर आए और हमसे कहने लगे कि रात से रामकुमार घर नहीं लौटा। यही वो मौका था साहब जब हम ब्रिजेश्वर चाचा के साथ हो लेते, और इससे किसी को हम पे शक भी नहीं होता। लाश में से बदबू ना आए और जल्दी से सड़ जाए, इसके लिए हमने कवर फिर से खोदी। उसमें नमक डाल दिया और फिर से कवर फाट दी। उसके बाद हमने और रेखा ने रामकुमार और उसके पिता को संतोष पर पूरा भरोसा था, और संतोष ने उनके इसी भरोसे का फायदा उठाकर अपने मकसद को कामयाब करना चाहा। संतोष अपने पहले गलत कदम को कारगर बनाने के लिए एक के बाद एक गलत कदम उठाता गया, और नतीजा रामकुमार को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जब जुर्म का काला पर्दा किसी की आंखों पर पड़ता है तो सही और गलत का फर्क खत्म हो जाता है, और वो इंसान अपने गलत इरादों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे रेखा और संतोष ने किया। अक्सर जब दिल में गलत अरमान पलते हैं तो अंजाम बुरा ही होता है,
रेखा और संतोष भी अपने ऐसे ही गलत अरमानों की वजह से कातिल बन गए और आज दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। किसी पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना बिल्कुल गलत है। हमारे लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है कि सामने वाले पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।